पत्रकार दोस्तों, आप सबका आज यहां पे आकर हमारे किसान आंदोलन के महान शहीद शुभकर्ण की आज शहीदी समागम में आप सब ने आकर जिस तरह ये पूरे का पूरा प्रोग्राम पूरे देश के लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास किया, मैं आप सबका दोनों फोरमों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आप सब की। देखिए, आज का जो दिन था, जिस तरीके 13 तारीख से लेकर 21 तारीख तक दोनों बॉर्डरों के ऊपर केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट ने, खट्टर गवर्नमेंट ने जिस तरीके के वहां पे लोगों के ऊपर हमले किए, वो सब आप सबके सामने, और उसका रिजल्ट है कि हमारा ये शुभकर्ण शहीद हुआ। और इससे भी बड़ी बात है कि हमारे आंदोलन के सहयोगी साथी लगभग 5-6 के करीब ऐसे हैं जिनकी आंख चली गई है। 400 से अधिक हमारे युवा, हमारे वीर, हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं। 20 के करीब ट्रैक्टर तोड़े गए, गाड़ियां फोड़ी गई। हमारी वहां पे जो एम्बुलेंस की सहायता देने, सहूलत देने के लिए कैंप्स थे, वो सब उखाड़ दिए गए, उन सब का नुकसान किया, ये आप सबके सामने है। लेकिन ऐसे हालात में सबके मुकाबला जिस तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से हमारे किसानों ने किया, वो बात कमाल था। लेकिन फिर भी शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हमारे किसानों के ऊपर शेलिंग होती रही और उनको शिकार बनाते रहे। और पूरे इस घटनाक्रम को, हमारा ये प्रोग्राम मैं पहले क्लियर कर दूं, दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम है वो एज इट इज है, वो कभी ऐसा नहीं है कि हमारा दिल्ली जाने का हमने पीछे करेंगे या किया है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार को इसके साथ ऐसे हालात में सरकार को कैसे उसको घुटनों के बल लाना है, उसके लिए कुछ रणनीति जो हमने तय की है वो ये है कि जितने भी बॉर्डर्स अभी तक बैठे हैं जिन बॉर्डरों के ऊपर, वहाँ पे हम अपना संख्या बल बढ़ाएंगे, और जो दूसरे अदर बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डरों के ऊपर भी किसानों की संख्या लाने का हम प्रयास करेंगे। आगे बात ये तय की गई है कि 6 तारीख को, जैसे ये सरकार बार बार ये कहती है कि आप शांतिपूर्वक ढंग से ट्रैक्टरों को छोड़कर चले जाइए, 6 मार्च वो जो उनका तरीका था उसके लिए 6 तारीख तय की गई है कि पूरे देश के अदर स्टेटों से हमारे संगठन वो शांतिपूर्वक ढंग से बाई ट्रेन आए, पैदल आए, बाई बस आए, बाई एयर आए, उनको देखते हैं वहाँ पर बैठने देती है या मतलब सभी बातें करती है, वो उस तरीके से आएंगे। और 10 तारीख को, 10 मार्च को सुबह
12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पूरे भारत के अंदर ट्रेन का चक्का जाम करने का आह्वान पूरे देश के लोगों को हम करते हैं आपके चैनलों के माध्यम से। और हमारी हमें उम्मीद है कि देखिए जिस तरीके जिस जगह पे आज हम बैठे हैं, शुभ करण को सच्ची श्रद्धांजलि आप पूरे देश के किसानों की यही बनेगी कि उनकी आज शहादत के समय, उनके श्रद्धांजलि समारोह के समय किया गया ऐलान, उसको सफल करना आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि वो आंदोलन जो दिल्ली चलता आंदोलन स्थगित कर आए थे हम, उस समय बाहर की स्टेटों के लोगों का कुछ उलंबा था कि भाई पंजाब वाले जा रहे हैं, हमारी डिमांड्स पीछे रह गई हैं। आज उसी आपकी डिमांड्स को लेकर आंदोलन फिर से शुरू है, शहादतें हो रही हैं। आप सब से हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश का हर वर्ग, हर किसान, मजदूर, व्यापारी इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए जो 10 तारीख का 12 से लेकर 4 बजे तक का रेल रोको आंदोलन है, उसमें सभी अपनी अपनी भागीदारी करें और मजबूती से उसको सफल बनाएं। इतना ही है, बाकी बात पंडित साहब करें। मेरे नाल छड़ना कोई गल नहीं है, जो कोई किसी तरह की भी मैं कहना गलबात करन वादी बजाए सरकार लई सब तो वधिया तरीका यह हुंदा है कि अर्जुन मुंडे जी रोज़ तीजे के दिन बयान दे देंगे ने भी बातचीत के लिए हम तैयार हैं, बातचीत से ही मसले का हल होगा। तो असी किसान कदों ये कहने कि बातचीत तो असी भजदे हाँ, गलबात लई असी भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधी नीयत नाल मसले का हल करन वाले पासे नूं तुरे सरकार और चिट्ठी भेजना। जो चिट्ठी आएगी उदों मन्नांगे, नहीं तो सारियां बयानबाजी है। 14 मार्च नूं SPM वल्लों भी इह ऐलान कीता गया कि 14 मार्च नूं उह वी दिल्ली जाणगे। कहिंदे असीं हिंड भन्नणी है कि जिहड़ा रोकिया गया साडे किसानां नूं, कहिंदे मोदी साहब कहिंदे आ केंद्र कहिंदी कि असीं पैर नहीं धरन देणा, कहिंदे असीं उत्थे जावांगे, तुसीं समर्थन करदे हो? देखो मैं बेनती है फिर करां सामणे जी, सवाल यह है कि हर एक वीर नूं अंदोलन करन दा राइट है, किने किसने किस तरीके नाल करना है, किने किस तरीके नाल करना है, ये ठीक है, वो आपदा कर रहे ने, बहुत वधिया कर रहे ने, असीं उहनूं मतलब उहदा धन्नवाद करांगे जे उत्थे जा के कर दिया। तां कुछ ਗੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ? ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਜੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ